आपको क्या लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो करते हैं? ये तो जनता बताएगी। आप जनता नहीं हो? मैं जनता हूँ, लेकिन मुझे ये पता कि मेरी बहन रोड पे बैठी हुई है। तो आपको दुख है? दुख नहीं, मैं अगर अपने वाली में हूँ तो मैं मोदी को वोट दूँ। एक बात सिंपल सी बात है, दुख सभी वर्ग को है। अब आप जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते। आप किस जाति से हो? मैं जाट। जाट हो? मैं क्या हूँ? मुस्लिम। मुस्लिम। हमारे पाजी क्या है? सिख। सिख है। कोई ईसाई होगा? हिंदू है। ये पंडित जी है, ब्राह्मण है। तो बताइए हम सबका रिश्ता क्या है? मैं आपको क्या बोलता हूँ, रिश्ता नहीं है, हम भारत है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारतीय हैं, ये रिश्ता हमारा। इससे मजबूत कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन और हम जैसे ये मैंने आपको पकड़ा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि हम भारत को ऐसे पकड़े हुए रहे, तब हम इस देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी को टॉप करके हम दिखाएंगे। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज की सरकारें, हम जो जनता है, आज देखिए कैसा टीवी पर मीडिया दिखा रही है, अरे भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत की जनसंख्या है। अब इन ये सब पढ़े लिखे, कोई फर्जी डिग्री लेकर के पत्रकार नहीं बना है, लेकिन इनको इतना अक्ल होना चाहिए कि जनसंख्या किसी भी देश पर बोझ नहीं होती। अब वो इसका रीजन है चीन। चीन ने अपनी जनसंख्या का यूटिलाइजेशन किया तो आज पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, और हम अपनी जनसंख्या को बोझ मान रहे हैं, अपने युवाओं को बोझ मान रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर अच्छी सरकारें आएंगी तो हमारे जो युवा हैं देश के, उनके स्किल को कलेक्ट करेंगी, कौन से युवा, और उनका एक एक ये बनाएंगी, डेटा बनाएंगी, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी, कारखाने लगाएंगी, तो हम भी प्रोडक्ट बना करके सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट, हम तो किसानों में जैसे अनाज के बहुत सारे फूड बना करके हम पूरे विदेशों में बहुत ज़्यादा हम बेच सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमी वापस खड़ा कर सकते हैं। पर ये बताइए पाजी, हम देश की जनता, हम देश की युवा सरकारों पर बोझ हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज जो साक्षी मलिक की बात कर रहे हो आप, विनेश फोगाट की बात, तो ये बताओ कि अब इनके जो मेडल की बात कर रहे हो आप, ये मेडल लाई थी जब, तो आपको कितना खुशी हुआ था? पूरे देश की जनता खुश हुई थी क्या हमारा? और हम जनता चाहते क्या है? कोई भी ओलंपिक खेल होता है, ओलंपिक खेलों में हम खुश होते हैं कि हमारा भारत 15 मेडल ला दिया, 20 मेडल ला दिया, गोल्ड लाया, तो ये सब हमारी खुशी होती है। तो जब इनके ऊपर कुछ होता है तो हमें दुख, हमें दुख तो लगता है। लेकिन पाजी, जहाँ सरकार की बात करते हैं, जहाँ आपने बोला कि मैं आपको क्या बोला, बेरोजगारी, ये मैं एक ही बात मानता हूँ। आप महाभारत पढ़े? कुछ। महाभारत की इतनी बड़ी किताब, आज तक महाभारत हम क्यों जानते हैं? नारी के अपमान पर महाभारत हुआ था, सोने की लंका नारी के अपमान पर जला था। और ये मैडम पंडित जी हैं बैठे हैं कि वही सोने की लंका रामायण, नारी के अपमान पर लंका जल गई सोने की, तो ये सत्ता जो है ना ये भी चली जाएगी इस नारी के अपमान पर, ये मैं मानता हूँ। बेटी बचाओ बेटी का नारा लेते थे, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती है, तो जब मैं तो यही पूछता हूँ ना, जब बेटियाँ रहेंगी नहीं तो बेटियाँ पढ़ेंगी कैसे? ये और मैं इसीलिए मीडिया को टारगेट करता हूँ, मैं मीडिया पर सवाल उठाता हूँ। आज अगर मीडिया हम सब 10 दिन ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर देगी तो सरकार जो है ना, हमें सरकार की जितनी भी कमियां हैं पूरे देश को नजर आएगी। एक महीने से ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार में तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा। एक साल में किसानों के आंदोलन में जू नहीं रहेगा तो ये क्या है? अब रहेंगेगी, क्योंकि देखिए अब क्या होता है ना, जब बाप का घड़ा भरता है ना तो क्या होता है, फूट जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक सोशल मीडिया, हर एक पब्लिक अगर जागरूक नहीं होगी तो ये सब हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब है ना, बेच खाएंगे। अभी भी बेच के
दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो है पब्लिक जागरूक हो चुकी है, अब किसान जाग चुका है, मोदी जान चुका है। लेकिन ये लोकल चैनल दिखा रहे हैं, जो मोदी मीडिया है ये आज तक कोई खबर नहीं दिखा रही। एक बात बताता हूँ, सच जो है ना अपना रास्ता ढूंढ लेती है, ठीक है, चाहे वो सच को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो सच हम जनता तक पहुँच ही जाती है आप लोगों के माध्यम से। मोदी मीडिया अभी क्या है, सत्ता भक्ति में लगी है, करने दीजिए। मैं तो क्या क्यों बार बार कह रहा हूँ कि जब चुनाव आएगा तो ये गांव में घुस नहीं पाएंगे। मोदी मीडिया जारो रैली करती है, करोड़ों रुपए मोदी मीडिया के लिए शोरूम लगाए जाते हैं और उसको सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए। आज हमारी बाण बैठी हुई है यहाँ पे इतनी धूप में, मच्छरों में, मक्खियों में, और दिन में तो गर्मी पड़ती है। ये तो ये लोग भी कह रहे हैं ना कि जो नेशनल मीडिया है वो इनकी, हम बोल रहे हैं कि इनकी बात नहीं रख रही है, जबकि ये रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ नहीं गूंज रही होगी, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी, होती है। तो मेरा यही कहना है कि हम अब जो भी है सरकार अब जाने वाली है, क्योंकि नारियों का अपमान जब होता है ना तो ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। मैं बताया ना अभी एग्जाम्पल, तो बहन बेटी हम भारत के लोग जो होते हैं ना, ये हम क्या मानते हैं कि दुश्मन की भी बेटी हो ना उसके अच्छे भविष्य के लिए कामना करना चाहिए, तो ये हम मानते हैं भारत के लोग। जिस माँ से हम पैदा होते हैं वो भी एक बेटी ही है, वो भी एक औरत ही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग, तो अनेकताओं में एकता, ये हमारे भारत की पहचान है। नारी सम्मान बोला जाता है, नारियों को हमारे देश में पूजा जाता है, पूजा जाता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि नारी का जब जब अपमान हुआ है तो इतिहास में सरकार क्या राज्य पलट गई है, अच्छे अच्छे राजा पलट गए हैं, तो ये 5 साल वाली क्या है। लोग रोकने के लिए, लेकिन फिर भी